सो गाइस, जैसे कि हम लोग को पता है कि डीसी यूनिवर्स की जो नेक्स्ट सबसे बड़ी मूवी होने वाली है वो है ऑफ कोर्स ब्लैक एडम, जिसमें हम लोग ड्वेन जॉनसन को ब्लैक एडम के रोल में देखेंगे। बट गाइस, जितनी बार हम लोग ब्लैक एडम की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या ब्लैक एडम सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है, एंड अगर है तो क्यों है, एंड अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन ब्लैक एडम एंड सुपरमैन। सो गाइस, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, एंड वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बगल में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा देना, ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो अब लेट्स बिगिन। सो ब्लैक एडम एक एंशियंट इजिप्शियन करप्टेड एंटी हीरो है। वो अपने नेम को क्लियर करना चाहता है, कॉज यस, उसने अपने लाइफ टाइम में काफी ज्यादा ट्रेजेडीज को फेस किया है, जिसके कारण वो एक विलन बन चुका है। वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, कॉज यस, उसको पावर्स मिली है एक एंशियंट इजिप्शियन गॉड से, जिसका नाम था टेथ एडम, ऑल्सो नोन एज माइटी ह्यूमन। उसको भी चूज किया था विजार्ड सजाम ने, एंड उसको अपना सक्सेसर बनाया था, कॉज विजार्ड सजाम ने उसके अंदर मॉर्टल प्योरिटी देखी थी। बट अपनी पावर्स के साथ ब्लैक एडम थोड़ा विशियस हो गया, एंड उसने डिसाइड किया कि वो ओवरथ्रो करेगा ओल्ड किंग फेरो को, एंड उसके बाद से ही उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। अगर मैं बात करूं ब्लैक एडम की पावर्स की, तो उसके पास पावर्स हैं 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की। जब टेथ एडम बोलता है वो मैजिकल वर्ड शज़ाम, तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लैक एडम में, एंड उसको मिल जाती है 6 डिटीज की पावर्स, द स्टेमिना ऑफ शू। इस पावर की हेल्प से वो विदस्टैंड कर सकता है एंड सर्वाइव भी कर सकता है मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीम फिजिकल अटैक्स को। उसको खाने या फिर सोने की भी कोई जरूरत नहीं है, एंड यहाँ तक कि उसको सर्वाइव करने के लिए ब्रीदिंग की जरूरत भी नहीं है, एंड यही चीज उसको एक इमॉर्टल गॉड बनाती है, द स्विफ्टनेस ऑफ हेरू। अब इस एबिलिटी की हेल्प से ब्लैक एडम फ्लाई कर सकता है या फिर रन कर सकता है एक्सट्रीम स्पीड्स में, जैसे कि मार्क 500 तक, एंड इसको एक्सटेंड भी कर सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एमॉन, इस एबिलिटी की हेल्प से ब्लैक एडम को मिल जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। द विजडम ऑफ जेवटी, ये पावर ब्लैक एडम को बनाती है वास्टली नॉलेजेबल। द पावर ऑफ एटन, इस एबिलिटी की हेल्प से ब्लैक एडम को मिल जाती है लाइटनिंग और मैजिकल पावर्स। एंड ऑफ कोर्स द करेज ऑफ महन, जो कि उसको साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली अनबीटेबल बना देती हैं। सो अब अगर मैं बात करूं सुपरमैन की, सुपरमैन बेसिकली पूरे कॉमिक वर्स का सबसे पहला सुपर हीरो है, एंड 1930s से आज तक सुपरमैन का जो कैरेक्टर है उसमें काफी चेंज आया है। उसकी पावर्स को समय समय पे बहुत ज्यादा भी दिखाया गया है, एंड कई इंस्टेंसेस में बहुत कम भी दिखाया गया है, जैसा कि उसके बहुत सारे वर्जन हैं। फिर चाहे मैं बात करूं गोल्डन एज सुपरमैन की या फिर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एज सुपरमैन की, बट या इतने सारे वर्जन में भी सुपरमैन की जो कुछ पावर्स हैं वो कभी चेंज नहीं की गई, जैसे कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लिमिटलेस है, कॉज यस, जब तक सन की रेडिएशन है सुपरमैन की स्ट्रेंथ तब तक इंक्रीज होती रहेगी। स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन के जो फीट्स हैं वो प्रोबेबली कॉमिक यूनिवर्स के मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज को सरपास कर देते हैं, कॉज सुपरमैन ने ऐसे ऐसे फीट्स को परफॉर्म किया है जो कि कई सारे सुपर हीरोज के लिए तो करना क्या सोचना भी इम्पॉसिबल है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरमैन की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा है, वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट है, एंड डीसी के मोस्ट फास्टेस्ट सुपर हीरोज की लिस्ट में भी उसका नाम है। वो इतना फास्ट रन या फिर फ्लाई कर सकता है कि वो पूरे सोलर सिस्टम को कुछ सेकंड्स में ही कवर करके वापस अर्थ पे भी आ सकता है। सुपरमैन काफी ड्यूरेबल भी है, उसकी बॉडी को हार्म कर पाना बहुत मुश्किल है, कॉज आर्टिफिशियल वेपन से तो उसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी बेसिक वीकनेसेस क्रिप्टोनाइट एंड मैजिक है, एंड इनके अलावा सुपरमैन की बॉडी को फिजिकली हार्म करना बहुत मुश्किल है, कॉज अगर उसको हार्म कर भी दिया गया तब भी सोलर रेडिएशन का यूज करके वो वापस से पहले जैसा हो सकता है, एंड पहले जैसा क्या, वो तो पहले से भी बहुत ताकतवर हो सकता है। उसके पास फ्रीज ब्रेथ एंड हीट विजन भी है, जिनका यूज वो अपनी बैटल में बहुत करता है। फ्रीज ब्रेथ के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे वो फूंक मार के एक बहुत ज्यादा कोल्ड एयर प्रेशर क्रिएट कर देता है, जो कि किसी भी चीज को बहुत इजीली जमा सकती है। एंड उसका जो हीट विजन है वो तो सन के कोर के टेम्परेचर से भी ज्यादा हाई है, एंड कॉमिक्स में भी ऐसे बहुत कम बींग्स हैं जो कि उसके हीट विजन को सर्वाइव कर सके। इसके अलावा सुपरमैन के पास एक्सरे विजन भी है, जिसका यूज वो बहुत रेयर टाइम पे करता है, बट यस, उसकी ये एबिलिटी उसको किसी भी बैटल में बहुत इजीली एडवांटेज दे देती है, कॉज एक्सरे विजन का यूज करने के बाद वो अपने सामने वाले एनिमीज के वीक पॉइंट्स को बहुत इजीली एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा सुपरमैन काफी इंटेलिजेंट भी है, एंड वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। बट यस, सुपरमैन की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो है उसका सोलर फ्लेयर, जिसका एक बार यूज कर लेने के बाद वो काफी वीक तो पड़ जाता है, बट यस, सोलर फ्लेयर उसका एक ऐसा वेपन है जिसमें वो इतना बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है, जिसका यूज करके सुपरमैन पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट्स को डिफीट कर चुका है। सो गाइस, ये तो हमने बात करी दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन सुपरमैन एंड ब्लैक एडम, तो
गाइस मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर हम लोग कॉमिक्स की बात करें तो बेशक ब्लैक एडम ने कई इंस्टेंसेस में सुपरमैन को डिफीट किया है एंड ब्लैक एडम के पास वो चीज है जो कि सुपरमैन की बहुत बड़ी वीकनेस है। यस मैं बात कर रहा हूँ मैजिक की। बट गाइस इन सारी चीजों के बाद भी हम लोगों ने देखा है कि सुपरमैन अपनी वीकनेसेस को भी सरपास कर देता है एंड उसने ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस में किया भी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरमैन होल्ड बैक करता है किसी भी फाइट में। बट अगर वो अपना 100% देगा ब्लैक एडम के अगेंस्ट देन आई थिंक कि वो डिफीट कर सकता है ब्लैक एडम को एंड उसने भी अकेले ब्लैक एडम को कई बार डिफीट किया है। सो या आई थिंक ब्लैक एडम को डिफीट कर सकता है सुपरमैन। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं, आपके ओपिनियन के हिसाब से कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन सुपरमैन एंड ब्लैक एडम, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड यस गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।